नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम पहुंचे हैं डेरा सच्चा सौदा के अंदर। यहाँ पर हमारे साथ जो पब्लिक जुड़ रही है उनसे बातचीत आपको दिखाते हैं सीधी। यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए हैं, आज कुछ लेडीज़ हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे जानते हैं उनका अनुभव कैसा है डेरा सच्चा सौदा संस्था के साथ। नमस्कार मैम, आपका नाम? नमस्कार, प्रियंका बंसल। कहाँ से है मैम? मैं सिरसा लोकल। लोकल से? हाँ जी। आश्रम में कब से आ रहे हो आप यहाँ? हमें बहुत साल हो गए, मैं तो बचपन से ही आ रही हूँ। अनुभव कैसा है मैम यहाँ? बहुत अच्छा है, बहुत शांति मिलती है। आज भी हमें आके बहुत शांति मिली, बहुत ज़्यादा। मैम लड़कियों की बात की जाए, आप खुद एक लड़की हो, लड़कियों को लेकर सुरक्षा कैसी है आश्रम में? बहुत बहुत ज़्यादा सेफ्टी है, हमें आके लगता ही नहीं कि हमें यहाँ कोई डर है या फिर कुछ है। सारा पार्टीशंस है, सब लेडीज जेंट्स ऐसे भाई बहन कह के बोलते हैं सभी को। नहीं, हमें कुछ ऐसा लगता ही नहीं है बिल्कुल भी। जो मैम मीडिया में दिखाया गया था, नहीं मीडिया का हमें पता नहीं कैसे वो क्या आरोप लगाते हैं, बट पिताजी सच्ची हैं और वो जरूर आएंगे। मैम जो भी संजय के ऊपर और बातें उठाएगी जो आरोप लगाएंगे उसके बारे में पर्सनली क्या लगता है आपको? नहीं, हमें कुछ कोई गलत कोई कुछ नहीं लगता, हमें सब सही लगता है। बट आपका? हाँ जी, पूरा विश्वास है, पूरा हमें है ही, हमारे सहारा ही पिताजी हैं सब कुछ। मैम उन्होंने ऐसा क्या किया है मतलब है। लोगों के लिए, समाज के लिए, जो आप लोग स्टिल उनके साथ खड़े हो? बहुत भलाई के कार्य हैं, हमें इतनी अच्छी शिक्षा देते हैं, मन को शांति मिलती है और आत्मविश्वास भी मिलता है बहुत ज़्यादा। किस तरीके के कदम उठाए हैं संत जी ने समाज भलाई के लिए? गरीबों के लिए सेवा के, इतनी सेवा करते हैं, हमें खुद मतलब हमें अंदर से इच्छा होती है कि हम किसी की सेवा करें। हमें खुद दीन दुखियों को देख के खुद लगता है कि हम कुछ करें। ज़रूरत है मैम उनके समाज को? हाँ जी है ज़रूरत। आज अपने इंडिया में तो बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं कि हम जितनी ज़्यादा हेल्प कर सकें उतनी ही कम होती है। क्या अपील करोगे सरकार से संत जी के लिए? हम यही अपील करें कि जल्द से जल्द उनके हक में फैसला सुनाएं और जल्द से जल्द हमें भी दर्शन दे लाइव। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, आपका क्या नाम है? सुखमंद्र कौर। मैम जी आप कब कितने साल समय? 27 साल में। कितना विश्वास करते हो? बहुत ज़्यादा जी, 10 ही नहीं सकते। क्यों क्यों विश्वास करते हो? आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया जो स्टिल आप विश्वास? बहुत ही ज़्यादा बदलाव आया जी। मेरे हस्बैंड आर्मी में सेवा करते थे, ड्यूटी करते थे, अब वो भी सच्चा सौदा में जुड़े हैं। हम अकेले भी पहला आते रहते सी, हमारे साथ कभी कोई गलत घटना नहीं घटी। मैम जेड़े आरोप लगाए गए संत जी बेहद गलत है जी, एक भी सच नहीं होना चाहिए। फिर सच की है संत जी का? सच तो हम सुन सामने दिस ही रहा जी, सच है तो इन्नी दुनिया आ रही है। मैम उन्होंने काम किए लोगों के लिए? बहुत ज़्यादा जी, खून दान करना, अखा दान करनिया, बॉडी दान करना, गरीबों की लड़कियों की शादी करनी, गरीबों को राशन देना जी, गिना ही नहीं सकते जी असं जिन्ना वो कर रहे हैं। उन्होंने रास्ते पर चल के असं भी कर रहे हैं जी। जरूरत है इस समय संत जी की बहुत जल्दी जी। की मांग करोगे सरकार? सरकार तो यही मांग है जी भी जेड़े गलत लोग आ उन्होंने सज़ा दी जाए, जेड़े सही है उन्होंने रिहा किया जाए। मैम संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान लगभग 5 साल हो गए हैं, उस तरीके नाल नहीं है समाज के विच, तो उन्होंने की लगता है सज़ा किनू मिल रही है, संत जी नू जा समाज? ये सज़ा समाज नहीं मिल रही है जी, समाज के चंगे काम कर रहे हैं जी। जो संत अंदर बैठे हैं जिन्नी कि सानू सूचना मिलती है उन्ना कि असं अच्छे काम करी जाने, अगर जो साढ़े नाल हो असं होर भी चंगे काम करिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद साढ़े नाल जुड़ने लिए। जनता का कहना है कि सज़ा समाज को मिल रही है जब से सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान समाज में नहीं है। आप भी देखते रहिए जनता की आवाज़ द फैक्ट आई के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।